आज हम बना रहे हैं मूली, गाजर और हरी मिर्च का चटपटा अचार। और फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। स्वागत है आपका कुक विद उषा चैनल में। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए आप सबसे पहले मूली, गाजर और हरी मिर्च को अच्छे से धो लीजिए और उनके छिलके भी निकाल लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पहले से ही इसे धोकर रखा है, छिलके भी उनके उतार लिए हैं और इस तरह से बराबर टुकड़ों में इसे हमने काट लिया है। यदि आपको लगे कि गाजर अंदर से सख्त है तो आप अंदर वाला पार्ट इसका निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब हम इन्हें बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। और फ्रेंड्स, टुकड़े आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। यदि आप गोल करना चाहते हैं तो आप गोल पीस कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने हरी मिर्च, मूली और गाजर को बराबर लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब हरी मिर्च को हम साइड में रख देंगे और मूली तथा गाजर में डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच नमक के। अच्छे से इसको हम मिला लेंगे और मिला लेने के बाद इसे मैं एक बाउल में डाल रही हूँ और ढक्कन लगाकर इसे हम 4-5 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हो। तो देखिए, अब 4-5 घंटे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि मूली और गाजर ने जो पानी छोड़ा है उसे हम नितार लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब इन्हें हम 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। और यदि धूप नहीं है तो आप फैन के नीचे भी इन्हें सुखा सकते हो। अब अचार बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ली है अजवाइन, नमक, जीरा, सरसों के बीज या राई, सौंफ, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी चीनी, हल्दी, काली मिर्च, थोड़ा सा हींग और अदरक लहसुन का पेस्ट, अमचूर पाउडर और सरसों का तेल। तो चलिए सबसे पहले हम मसालों को भून लेंगे तवे पर। तो देखिए फ्रेंड्स, सौंफ को मैंने सबसे पहले डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अजवाइन को भी अब डाल देंगे। थोड़ी सी देर इनको हम रोस्ट करेंगे। अब सरसों के दानों को भी इसमें हम डाल देंगे। हल्का सा इसे भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसे हमने, नहीं तो सरसों के दाने तिड़तिड़ाने लग जाते हैं। तो देखिए मसाले यहाँ भून चुके हैं। अब इन्हें हम ठंडा होने देंगे और मिक्सी में मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। गैस के ऊपर मैंने बर्तन रख दिया है और इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल रही हूँ 2 चुटकी हींग, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसको हम पकने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे मूली और गाजर को। 1 मिनट के लिए इसको हम चला लेते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। साथ में डाल देते हैं भुने और ग्राइंड किए हुए मसाले। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, गैस को हमने बंद कर दिया है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब इसमें मैंने डाल दिया 1 छोटा चम्मच चीनी का और 2 बड़े चम्मच नमक के। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर का। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लाल कलर लिया है और ये फूड कलर है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। 1 पिंच मैंने इसमें कलर डाला है और आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हो। लेकिन देखिए, कलर डालने से हमारा जो अचार है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च को। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चटपटा और बहुत ही सुंदर अचार तैयार है। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा।
और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।